गाइज यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसमें हम आपको बताएंगे यूपीआई पर जो 1.1% चार्ज है किसको देना है किसको नहीं देना है, और पैन कार्ड जो आधार कार्ड से लिंक करना है इसकी लास्ट डेट क्या हो गई है। तो वीडियो को गाइज ध्यान से देखें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें। हेलो गाइज, वेलकम बैक एसएम ब्लॉग लाइफस्टाइल चैनल। तो गाइज कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जो बहुत ज्यादा चल रहा है टॉपिक, यूपीआई पर जो 1.1% चार्ज लगा है ये किसको पे करना है और किसको नहीं। इसी के साथ हम आपको एक चीज और क्लियर कर देते हैं, जैसे कि 1 अप्रैल को पैन कार्ड जिसका आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है वो डीएक्टिवेट होने वाले थे। तो हम आपको बता देते हैं गाइज, इसमें भी अभी गवर्नमेंट की तरफ से राहत मिल गई है, इसमें टाइम बढ़ा दिया गया है। तो बने रहें हमारे ब्लॉग के साथ, तब तक हमारे वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस मैं आपको बता देता हूं, जो पैन कार्ड आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं हो पाए थे जिन पर 1,000 रुपए की पेनल्टी भी बताई जा रही थी, तो अभी इसके लिए हमें बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है गवर्नमेंट की तरफ से। 30 जून तक का टाइम मिल गया है, तो ये इसलिए मिला है, वेबसाइट पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक था इस वजह से 30 जून तक के लिए अभी टाइम मिल गया है। ये 1 अप्रैल को जो डीएक्टिवेट होने वाले थे इसकी डेट को बढ़ाकर 30 जून तक अभी हमें ये अपना लिंक करने के लिए टाइम मिल गया है। तो अभी हम पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अभी तक अगर आपको नहीं पता कि पैन कार्ड चेक कैसे करना है, हमारा लिंक है या नहीं, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है, वहां जाकर इसको चेक कर लें। और अगर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो इसको लिंक करा लें, क्योंकि गाइज ये मैंडेटरी है, आगे जाके आपको फिर परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो अभी हम बात कर लेते हैं यूपीआई पर जो बहुत ज्यादा हल्ला मचा हुआ है कल से, जबकि एनसीपीआई की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है 1.1% चार्ज का, तो तब से हल्ला मचा हुआ है, नए नए स्टेटस और वीडियो देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ गाइस ये चार्ज किसको पे करना है और किसको नहीं। सबसे पहले हम बता देते हैं यूपीआई जो होता है ये एनपीसीआई के अंतर्गत आता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो गाइस एनपीसीआई ने नोटिफिकेशन जारी किया था 1.1% चार्ज मर्चेंट को देना होगा, ना कि कस्टमर को। तो हमारे लिए बहुत बड़ी राहत की बात है ये कि ये कस्टमर को पे नहीं करना, ये दुकानदार को पे करना है। और सबसे बड़ी बात बता दें, सबसे ज्यादा लोग परेशान थे, जैसे कि यार दोस्तों से हम पैसे ले लेते हैं 10,000 20,000, या फिर हम सेल ले आने पर उनको रिटर्न करते हैं, तो उस पर चार्ज लगे या नहीं। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ ये अकाउंट टू अकाउंट चार्ज नहीं है। और मोस्टली जो हमारे यहाँ ऐप यूज होते हैं अकाउंट से लिंक होते हैं, बैंक से लिंक होते हैं, पेमेंट करते हैं डायरेक्ट बैंक टू बैंक होता है। तो गाइज मैं आपके लिए बता देता हूँ ये वॉलेट से मर्चेंट के लिए है, वो भी 2000 से ऊपर के पेमेंट पर। और अकाउंट टू अकाउंट जो हम पेमेंट करेंगे उस पर हमें कोई चार्ज नहीं देना होगा, तो हमारे लिए बड़ी राहत की खबर है। जैसा हमारा यूपीआई पेमेंट हम पहले से करते आ रहे हैं ऐसे ही करते रहेंगे। और अगर इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो एनपीसीआई की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहां पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर इन्होंने पूरा डिफाइन किया हुआ है किसको कितना चार्ज देना होगा, कितने परसेंट लगेगा, किसी को 1% है, किसी को 1.1% है, या 1% से कम है, तो इसकी वेबसाइट पर जाकर भी विजिट कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ दोनों चीज हमने क्लियर कर दी है, पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए टाइम बढ़ा दिया गया है, 30 जून तक का अभी टाइम हो चुका है। अगर आपको चेक करना है आपका पैन कार्ड लिंक है या नहीं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ, उस पर जाकर आप चेक कर लें। और यूपीआई पेमेंट अकाउंट टू अकाउंट पे करने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा, यह कस्टमर के लिए नहीं है, यह सिर्फ मर्चेंट के लिए है। जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दिया आई होप ये आपके काम आएंगी, और आपको पता लग गया होगा यूपीआई चार्ज जो देना होगा सिर्फ मर्चेंट को देना होगा। जैसे कि हम यार दोस्तों के साथ पहले से यूपीआई पेमेंट करते आ रहे थे, अभी भी कर सकते हैं, इसमें हमें कोई चार्ज पे नहीं करना है। और जो पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक करना है उसका आपको पता लग ही गया होगा, 30 जून तक हम इसको अब लिंक कर सकते हैं। तो गाइज अभी हमने सोचा है ब्लॉग के साथ साथ हम आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियो भी लाते रहेंगे टाइम टाइम पर, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होगी इन्फॉर्मेशन के लिए हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो गाइज ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।